Hello students, welcome to my channel NCERT Expert. Today we are starting exercise 7.1. It is chapter cubes and cube roots. It is from class 8th mathematics. Hamara first question hai, which of the following numbers are not perfect cubes? Hame yahan pe kuch numbers de rakhe hain aur hame batana hai ki ye perfect cubes hain ya nahi hain. फर्स्ट पार्ट है हमारा 216. तो क्या करेंगे इसके अंदर, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. प्राइम फैक्टराइजेशन करते हुए आपको बिल्कुल ध्यान से करना है. सबसे पहले हम इसकी लास्ट डिजिट देखेंगे. अगर लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है तो ये हमारा 2 से डिवाइड होना शुरू होगा. सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसके लास्ट में 6 दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा 108. अब अगेन यहाँ पे 8 है तो इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं. अब आएगा हमारा 54, 2 से दोबारा डिवाइड करेंगे इसको 27. अब हम इन डिजिट्स का सम करके देखेंगे. 2 और 7 कितना होता है, 9 होता है. और 9 किसकी टेबल में आता है, 3 की टेबल में. तो ये 3 से डिवाइड हो सकता है हमारा. 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. तो यहाँ पर हमने देखना है कि क्या हमारे जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनके ट्रिपलेट्स बन रहे हैं. अगर बन रहे हैं तो हमारा परफेक्ट क्यूब होगा, अदरवाइज नहीं होगा. यहाँ पे ये ट्रिपलेट बन रहा है 2 का और एक 3 का ट्रिपलेट बन रहा है. प्राइम फैक्टर्स फॉर्म ट्रिपलेट्स. प्राइम फैक्टर्स क्या बना रहे हैं, ट्रिपलेट बना रहे हैं. सो 216 इज़ ए परफेक्ट क्यूब. तो 216 एक परफेक्ट क्यूब है. सेकेंड हमारा 128. इसी तरह से 128 को 2 से डिवाइड करेंगे. जब तक ये 2 से डिवाइड होना बंद नहीं होता तब तक हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे. तो यहाँ पे ये सारा ही कम्प्लीटली 2 से डिवाइड हो रहा है. अब हम इनके ट्रिपलेट्स बना रख लेते हैं प्राइम फैक्टर्स के. एक ट्रिपलेट ये बन गया, देखिए हमारा सेकेंड ट्रिपलेट बन गया, ठीक है. और यहाँ पर हमारा ट्रिपलेट नहीं बन रहा है. 2 डज नॉट अपीयर 3 टाइम्स. 2 यहाँ पर 3 टाइम्स नहीं है, टोटल यहाँ पर 8 टाइम्स है, जिसमें से 3 3 के 2 ग्रुप बन गए और यहाँ पे 2 टाइम्स 2 बच जाता है. 2 डज नॉट अपीयर 3 टाइम्स. 2 यहाँ पे 3 टाइम्स नहीं है. सो 128 इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब. 128 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है. थर्ड पार्ट है हमारा 1000. 2 से डिवाइड करेंगे 500, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 250, 2 से डिवाइड करेंगे 125. अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि अगर हम डिजिट्स को ऐड करते हैं 2 1 3 5 3 8, तो 8 3 की टेबल में नहीं आ रहा है. जब किसी नंबर के पीछे एंडिंग डिजिट अगर 5 है, 0 है, तो वो 5 से तो डिवाइड होगी ही. इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे 25, 5 से डिवाइड करेंगे 5, 5 से डिवाइड करेंगे 1. अब हमें देखना है कि क्या यहाँ पे हमारे जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनके ट्रिपलेट बन रहे हैं. 2 2 2, यहाँ पे 3 टाइम्स है, एक ट्रिपलेट बन गया. 5 5 5, 3 टाइम्स है, एक ट्रिपलेट और बन गया. प्राइम फैक्टर्स 2 एंड 3 आर फॉर्मिंग ट्रिपलेट्स. तो प्राइम फैक्टर्स ट्रिपलेट्स बना रहे हैं. सो 1000 इज़ ए परफेक्ट क्यूब. तो 1000 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है. अब हमारा फोर्थ पार्ट 100. 2 से डिवाइड करेंगे 50, 2 से डिवाइड करेंगे 25, 5 से डिवाइड करेंगे 5, अगेन 5 से डिवाइड करेंगे 1. प्राइम फैक्टर्स 2 एंड 5 डू नॉट अपीयर 3 टाइम्स. यहाँ पे 2 और 5 जो प्राइम फैक्टर्स हैं ये हमारे 3 टाइम्स नहीं है, केवल यहाँ पे 2 बार हैं. सो 100 इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब. तो 100 क्या है, हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है. फिफ्थ पार्ट है, इसके लास्ट में डिजिट 6 है तो हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं. तो ये हो जाएगा हमारा 2 से डिवाइड. अगेन यहाँ पे 8 आ जाएगा, दोबारा हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे. जब तक इसके पीछे 2 4 6 8 आता है हम इसको 2 से डिवाइड करते रहेंगे. यहाँ तक हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे. 7 और 2 9 और 9 18, 18 आता है 3 की टेबल में, तो यहाँ से हम 3 से स्टार्ट कर देंगे इसको डिवाइड करना.
अब यहाँ तक हमारा ये 3 से ही कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। अब हम बनाएंगे इनके ट्रिपलेट्स, 1, 2, 3 एक ट्रिपलेट बन गया, 1, 2, 3 दूसरा ट्रिपलेट बन गया, 3, 3, 3 यहाँ पे हमारा तीसरा ट्रिपलेट बन गया, और ये हमारा 3, 3, 3 ये हमारा फोर्थ ट्रिपलेट बन गया। प्राइम फैक्टर्स 2 and 3 आर फॉर्मिंग ट्रिपलेट्स। जो प्राइम फैक्टर्स 2 और 3 हैं वे ट्रिपलेट्स बना रहे हैं। सो द गिवन स्टेटमेंट इज ए परफेक्ट क्यूब, 46,656 इज ए परफेक्ट क्यूब। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। हमें नंबर दिया हुआ 243, तो हमें इसको, ये जो नंबर है हमारा ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो इसको हमने क्या करना है, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारा एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो सबसे पहला स्टेप होता है इसके अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर हम 3 से स्टार्ट करेंगे, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 81, 3 से डिवाइड करेंगे 27, 3 से डिवाइड किया 9, 3 से डिवाइड किया 3 और 3 से डिवाइड किया 1। तो यहाँ पे हमारा केवल एक ही ट्रिपलेट बन रहा है, 3 यहाँ पे 2 टाइम्स है। अगर एक बार और आ जाता तो ये जो नंबर था हमारा एक परफेक्ट क्यूब बन जाता। तो हमें क्या करना चाहिए, जो हमारा गिवन नंबर है 243, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 243 इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब, 243 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, बिकॉज 3 डजंट अपीयर इन ए ग्रुप ऑफ 3, क्योंकि यहाँ पे जो 3 है वो 3 टाइम्स नहीं है। टू मेक 243 ए परफेक्ट क्यूब मल्टीप्लाई इट बाय 3, तो हमें एक परफेक्ट क्यूब बनाना है 243 का, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 729 क्या है, इट इज़ ए परफेक्ट क्यूब। तो आंसर आएगा हमारा 3, कि 3 एक ऐसा नंबर है जिससे हम 243 को मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आएगा 729, जो एक परफेक्ट क्यूब है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। यहाँ पे हमने क्या करना है, ऐसा छोटे से छोटा नंबर निकालना है जिससे कि हम जो नीचे हमारे नंबर्स दे रखे हैं इनको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे परफेक्ट क्यूब बन जाएंगे। जो हमारा क्वेश्चन 2 है उसमें हमने मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पर हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। जो हमारे एक्स्ट्रा प्राइम फैक्टर्स बच जाते हैं उससे हमने गिवन नंबर को डिवाइड करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, फर्स्ट पार्ट है इसका 81, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि एंडिंग डिजिट क्या है इसके अंदर 1 है, 3 से डिवाइड होगा, तो हम इसको 3 से डिवाइड करते जाएंगे जब तक हमारा लास्ट में 1 नहीं आता। अब हम ट्रिपलेट बनाएंगे, यहाँ पे हमारा एक ट्रिपलेट बन रहा है, यहाँ पे एक 3 एक्स्ट्रा हमारा, 3 अपीयर वंस, सो 81 इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो गिवन नंबर तो हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो 3 है वो हमारा एक एक्स्ट्रा है। टू मेक 81 ए परफेक्ट क्यूब डिवाइड 81 बाय 3, अगर हम 81 के अंदर, 81 के अंदर अगर ये 3 नहीं होता, ठीक है, तो हमारा 81 एक परफेक्ट क्यूब हो जाता। तो हमने क्या करना है, ये हमारा 3 एक्स्ट्रा है, इसको हमने 81 को 3 से डिवाइड करना है, नया नंबर आएगा हमारा 27, और 27 क्या है, 27 इज़ ए परफेक्ट क्यूब।
तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, 3। 3 से हमने 81 को डिवाइड करना है ताकि हमारा ये 81 एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। सेकेंड है हमारा 256। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 128, अगेन 2 से 64, 2 से 32, तो ये हमारा सारा ही 2 से डिवाइड होगा और लास्ट में आ जाएगा हमारा 1। यहाँ पे दो तो ट्रिपलेट बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 2 हमारा 2 टाइम्स और बच जाता है, तो हमने क्या करना पड़ेगा, 256 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, वो जो हमारा नया नंबर आएगा वो हमारा एक परफेक्ट क्यूब होगा। टू मेक 256 ए परफेक्ट क्यूब डिवाइड इट बाय 2 × 2, यानी कि हमें 4 से डिवाइड करना है इसको। 256 को हम 4 से डिवाइड करें, ये आएगा हमारा 64। तो हमने क्या करना है, 256 को 4 से डिवाइड करना है ताकि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। थर्ड हमारा 135। सबसे पहले हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 45, अगेन 3 से 15, 3 से 5, और ये हमारा एक्स्ट्रा एक 5 बच जाता है। 3 का तो ट्रिपलेट बन गया लेकिन ये हमारा एक्स्ट्रा है, तो हमने क्या करना है, 135 को 5 से डिवाइड करना है और जो हमारा नया नंबर आएगा वो हमारा एक परफेक्ट क्यूब होगा। आंसर में हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर 5 है कि हमने 35 को 5 से डिवाइड करना है ताकि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। फोर्थ पार्ट है 192। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसको हम जब तक 2 से डिवाइड करते जाएंगे जब तक इसके पीछे 2, 4, 6, 8 या 0 है, जब ये नहीं होंगे तो हम इसको 3 से डिवाइड करके देखेंगे। तो यहाँ पे 2 के 2 ट्रिपलेट बन रहे हैं, केवल यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा है, तो हमने क्या करना है, 192 को हम 3 से डिवाइड करेंगे जिससे कि हमारा ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। 192 को हम डिवाइड करने के बाद आएगा हमारा 64, और 64 क्या है, हमारा एक परफेक्ट क्यूब है, और आंसर क्या आएगा हमारा, 3। और क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है 704। इसके हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, जब तक ये 2 से डिवाइड हो रहा है यहाँ पे हमारा 11 बच जाता है, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 11 से डिवाइड होगा। अब हम बनाएंगे इनके ट्रिपलेट, 2 का एक ट्रिपलेट बन रहा है, 2 का दूसरा ट्रिपलेट बन रहा है, लेकिन यहाँ पे 11 क्या है, ये हमारा एक्स्ट्रा है। डिवाइड 704 बाय 11 टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब, तो 704 को हम 11 से डिवाइड कर देंगे और जो हमारा नया नंबर आएगा वो हमारा एक परफेक्ट क्यूब होगा। 64 इज़ ए परफेक्ट क्यूब, और आंसर क्या होगा हमारा, 11, कि हमने 704 को 11 से डिवाइड किया और जो नया नंबर आया वो हमारा एक परफेक्ट क्यूब बन गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। परीक्षित मेक्स ए क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। प्लास्टिक जो परीक्षित है वो एक क्यूबॉइड बनाता है प्लास्टिसिन का, जिसकी साइड्स दे रखी हैं, एक 5 सेंटीमीटर है, एक 2 सेंटीमीटर है और एक 5 सेंटीमीटर है। हाउ मैनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू मेक ए क्यूब, उसको इस तरह के कितने क्यूबॉइड्स चाहिए ताकि वो एक क्यूब बना सके। क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस होता है, क्यूब की सारी साइड्स सेम होती हैं और क्यूबॉइड्स की 3 साइड्स होती हैं, तीनों डिफरेंट होती हैं। इसके अंदर क्यूबॉइड के अंदर 2 साइड्स सेम हो सकती हैं या 3 साइड्स डिफरेंट हो सकती हैं, दोनों ही हो सकती हैं इसके अंदर। सॉल्यूशन इज वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम निकाल लेंगे हम क्यूबॉइड का, लेंथ दे रखी है, ब्रेड दे रखी है और हाइट दे रखी है, ठीक है, इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे हमने देखना है कि केवल यहाँ पे एक ही 2 है और यहाँ पे जो 5 है केवल यहाँ पे 2 बार है, ठीक है। जब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो केवल यहाँ पे 2 एक बार है और 5 यहाँ पे 2 बार है, तो हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे 5 3 टाइम्स चाहिए और 2 यहाँ पे हमें, ये भी हमें 3 टाइम्स चाहिए। वी नीड 2 × 2 × 5, क्योंकि 2 एक ही बार है तो हमें 2 बार और चाहिए, 5 यहाँ पे 2 बार है, हमें एक बार और चाहिए 5,
तो हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। वी नीड 20 टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। अगर हमें परफेक्ट क्यूब बनाना है तो हमें इस तरह के 20 क्यूबॉइड्स चाहिए ताकि हमारा ये एक परफेक्ट क्यूब बन सके। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी क्यूब रूट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।